यही तो अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ़ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुजरातियों को कथित तौर पर ठग कहने के मानहानि मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट उसी दिन मामले पर फैसला सुनाएगा। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि से जुड़ी के तहत राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ गुजरात की एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में दायर याचिका में तेजस्वी पर कथित रूप से गुजरात के लोगों को ठग और धूर्त बताया था। याचिका में उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील PR पटेल ने कहा कि हमने सबूत के तौर पर बयान की पेन ड्राइव जमा की है, तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने शिकायत स्वीकार भी कर लिया है। मेहता ने यह शिकायत 21 मार्च को तेजस्वी के बयान के आधार पर दर्ज कराई है। तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था कि मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा। अगर वो LIC या बैंकों का पैसा लेकर भाग जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? शिकायत में कहा गया कि मीडिया के सामने दिए गए बयान में पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा गया है। ये सभी गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि करता है, उन्हें अपमानित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। अरे जो भी दो ठग है ना, जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? तो आप तो जान ही रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिंजरा से नहीं निकलता इनके लिए। क्या नीतीश जी पीएम के लिए से बाहर हो गए? कल आप सदन में कह रहे थे भाई व्यक्तिगत इच्छा ना उनको है ना हमको है, यही बात तो हम कह रहे हैं। हमारी लड़ाई कुछ और है, आप लोग इसको छोटा ना बनाएं, बड़ी लड़ाई, और हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि कोई कुछ कहेगा चल देगा, कौन अफवाह मियाँ क्या बोला नहीं बोला उससे क्या फर्क पड़ता किसी को। हम तो कल बोले ना, उसका कोई जवाब है क्या उनके पास? बीजेपी क्या चाहती है, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या चाहती है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन्हें तो पहले से पता था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश